हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होंगे। वेल दोस्तों, हम सबको पता है कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरा होने के कारण कपल्स दिल्ली में एकांत और प्राइवेसी में अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो कपल्स और प्रेमियों के लिए प्रॉब्लम की वजह बना हुआ है। इसी कारण अक्सर यंगस्टर्स अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली के बेस्ट कपल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं। यदि आप में भी कोई कपल है और एकांत में प्राइवेसी का समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, तो आइए इस वीडियो में हम आपको दिल्ली कोलकाता के बेस्ट कपल के बारे में बेस्ट कपल पार्क के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये पार्क कपल्स के लिए स्वर्ग माने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ आप अपने कपल के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठ सकते हैं और अपने प्रेमी के साथ रिलैक्स करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। समझ रहे ना, जानना चाहते हैं तो भैया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोधी गार्डन। दोस्तों, दिल्ली के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक लोधी उद्यान के पुरातत्व खंडहर होने के साथ टहलने के लिए भी दिल्ली में जोड़ों के लिए सबसे सुखद पिकनिक स्पॉट में से एक ही हो सकता है। दिल्ली के सफदरजंग मकबरे और खान मार्केट के पास स्थित लोधी गार्डन कपल्स के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे पार्क में से एक है। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर लोधी गार्डन कपल्स के लिए दिल्ली का बेस्ट कपल पार्क है। दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उद्यानों में से एक होने के कारण ये गार्डन काफी सुव्यवस्थित है। कपल्स इस गार्डन की हवा में रोमांस को फील कर सकते हैं, जो इसे कपल्स के बीच में लोकप्रिय बनाती है। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए दिल्ली के बेस्ट कपल पार्क के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको लोधी गार्डन अवश्य जाना चाहिए, जहां आप अपने पार्टनर के साथ हरे भरे वातावरण में प्राइवेसी के साथ टाइम स्पेशल स्पेंड कर सकते हैं। यहां आपको बहुत ही सुकून और शांत वातावरण मिलेगा। इस गार्डन की झाड़ियों में आप अक्सर प्रेमी जोड़ों को रोमांस करते हुए देख सकते हैं, जो कि दुनिया से बेखबर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए रहते हैं। क्या बात है भाई। बुद्धा जयंती पार्क। दिल्ली के बाहरी इलाकों में धौलाकुआ नामक एक क्षेत्र में स्थित बुद्धा पार्क कपल्स के लिए काफी अच्छा है। आपको बता दें, ये खूबसूरत पार्क अपने एकांत माहौल और शानदार सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 100 प्रकार के पेड़ और 40 प्रकार की झाड़ियां हैं, जो एक खिला और कलरफुल पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हरे भरे लॉन, टोपियां और मौसमी फूलों के पौधे और पेड़ इतने रोमांटिक वातावरण में एक अतिरिक्त आकर्षण जोड़ देते हैं। अपनी स्थापना के बाद से पार्क स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल करने में कामयाब रहा है। इस सुरम्य पार्क में कई शानदार मार्ग हैं, जिसमें विशाल परिदृश्य और खिले हुए फूल हैं। इस क्षेत्र में काफी बड़े बड़े ऊंचे पेड़ भी हैं, जो बगीचे की सरसराहट को सुंदरता प्रदान करते हैं। ये पार्क भगवान बुद्ध की 8 फीट की तांबे की मूर्ति को आश्रय देने का भी विशेषाधिकार है, जो इसके एक कोने पर स्थित है। बुद्ध जयंती स्मारक पार्क को गौतम बुद्ध की 25वीं जयंती के रूप में मनाने के लिए एक टोकन के रूप में स्थापित किया गया था। पार्क का महत्व यहाँ लगाए गए लोकप्रिय बोधि वृक्ष के लिए जाना जाता है, जिसे श्रीलंका से लाया गया है। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध की प्राप्ति की स्मृति में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्ष 1964 में बोधि वृक्ष का पौधारोपण यहीं लगाया गया था। यही कारण है कि कपल्स अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली के इस खूबसूरत पार्क में घूमने जाना पसंद करते हैं। यदि आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको बुद्धा पार्क घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। डिया पार्क। दिल्ली के बेस्ट कपल पार्क में से एक है डिया पार्क, जो कि हौस खास विलेज में स्थित है, जिसे एन झा डिया पार्क के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें, इस हरे भरे परिसर में कई आकर्षण हैं, जिनमें डक पार्क, रैबिट एनक्लोजर, पिकनिक स्पॉट्स के नाम से शामिल हैं, जो इस पार्क को कपल्स के घूमने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बनाते हैं। डिया पार्क को 4 विंग्स में बांटा गया, जिसमें रोज गार्डन, ओल्ड मॉन्यूमेंट और हौस खास मार्केट, डिया पार्क और फाउंटेन एंड डिस्ट्रिक्ट पार्क का नाम शामिल है। इस पार्क की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब पार्क के चारों ओर हिरणों के झुंड और कुछ अद्भुत पक्षियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। यदि आप अपने कपल के साथ डिया पार्क घूमने जाते हैं, तो आप पार्क में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ वर्ड वॉचिंग और हौस खास रेस्टोरों में यहाँ के फेमस फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। दिल्ली शहर के सईद उल अजायब में स्थित गार्डन ऑफ 5 सेंसेस कपल्स के लिए दिल्ली के सबसे अच्छे पार्क में से एक है। ये पार्क दिल्ली के पर्यटन का प्रमुख हिस्सा है, जो कि 20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पार्क अपने आकर्षक दृश्यों, फूलों की सुगंध, बेहतरीन कलाकृतियों और विभिन्न पौधों के लिए जाना जाता है, जो कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दिल्ली के बेस्ट कपल पार्क सर्च कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि गार्डन ऑफ 5 सेंसेस पार्क भी कपल्स के लिए काफी अच्छा है।
जैपनीज पार्क। दोस्तों इस पार्क की तो बात ही निराली है। नई दिल्ली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम का सबसे बड़ा पार्क होने के कारण जापानी पार्क रोमांटिक कपल्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। ये पार्क उन कपल्स के लिए बेस्ट स्पॉट है जो अपने कपल या प्रेमी के साथ प्राकृतिक सुंदरता और हरी भरी हरियाली के बीच मेमोरेबल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जापानी पार्क चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है जिस कारण पार्क में काफी शांति और ठंडक रहती है जो कपल्स को काफी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा पार्क में एक सुंदर झील भी है जिसमें कई नावें हैं जहां आप अपने पार्टनर के साथ प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करने के साथ साथ झील में बोट राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप ये बताइए कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा। वेल दोस्तों अब हम आपको कोलकाता लिए चलते हैं जहां की विरासत इसे ऐतिहासिक शहर के रूप में टैग करती है। जहां गगनचुंबी इमारतें और भव्य मॉल इसे भव्यता की मतलब की भविष्य की जीवंतता प्रदान करते हैं। इन विभिन्न इमारतों के बीच में एक सुंदर महानगर है जो युवा जोड़ों को आकर्षित करता है और उन्हें एक साथ कुछ रोमांटिक पलों को संजोने के लिए स्थान प्रदान करता है। अगर आप कोलकाता में हैं और आप अपने खास व्यक्तित्व के साथ कुछ मतलब पल बिताना चाहते हैं साथ में तो आपके पास विकल्पों की कमी नहीं होगी। एक पुरानी दुनिया के आकर्षण और एक महानगरीय संस्कृति से भरपूर शहर कई रोमांटिक आकर्षण के केंद्र के साथ छिड़का हुआ एक आत्मीय स्वर्ग है। वेल अब उन जगहों के बारे में हम आपको बता देते हैं जहां कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो भी बिना किसी परेशानी के। मिलेनियम पार्क। कोलकाता की भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर हुगली नदी के किनारे लगभग 2.5 किलोमीटर तक फैला मिलेनियम पार्क कपल्स के घूमने के लिए कोलकाता के बेस्ट रोमांटिक प्लेसेस में से एक है जहां कपल्स की काफी भीड़ दिखी जाती है। शांत माहौल, हरे भरे पेड़ पौधे मैनिकोर लोन अपने लवर के साथ घूमने की बेस्ट जगह बनाते हैं। शांत नदी और हावड़ा ब्रिज के अविश्वसनीय दृश्य इसे आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा मिलेनियम पार्क में शाम के समय चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के बीच अपने साथी के साथ हाथों में हाथ डालकर बैठना और सनसेट के अद्भुत दृश्यों को फील करना यकीनन आपके रिलेशनशिप को काफी मजबूत कर देगा। इसलिए यदि आप एक प्रेमी हैं तो एक बार अपनी प्रेमिका के साथ मिलेनियम पार्क जरूर जाएं। इको पार्क। जब कपल्स के घूमने के लिए कोलकाता की रोमांटिक जगहों की बात होती है तो भला इको पार्क को कैसे बुलाया जा सकता है। 480 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ हर दिन कपल्स की काफी भीड़ उमड़ती है। दूर दूर तक फैला हुआ इस पार्क में आपको बहुत से जोड़े रोमांस करते हुए दिखेंगे, इसलिए इस पार्क में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये पार्क 104 एकड़ के जल निकाय से घिरा हुआ है जिसके बीच में ये पार्क है। जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए होंगे या यहाँ पर आते रहते होंगे आप अपने साथी के साथ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं या बस रोमांटिक दृश्यों, संगीतमय फव्वारे और पार्क के विभिन्न थीम क्षेत्रों का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क के बारे में शब्दों में बयान करना काफी मुश्किल है लेकिन एक बार जब आप यहां आएंगे तो देखेंगे कि आपने जितना इसके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। बोटैनिकल गार्डन। कपल्स के घूमने के लिए कोलकाता की सबसे अच्छी जगहों में शुमार बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में स्थित है। 273 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ ये एक विशाल पुष्प विविधता वाला पार्क है जहां आप अपनी प्रियतमा के साथ भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दूर और प्रकृति के साथ कई खुशहाल घंटे बिता सकते हैं। बोटैनिकल गार्डन में 12,000 जीवित 12 मासी पौधों के साथ साथ हजारों पौधे हैं जो दुनिया भर से एकत्र किए गए हैं। बगीचे का प्रमुख आकर्षण विशाल और व्यापक बरगद का पेड़ है जिसे ग्रेट बरगद के पेड़ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा गार्डन में आश्चर्यजनक ऑर्किड और बहुरंगी फूल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जिन्हें अपने प्रेमी के साथ देख सकते हैं। नेलबर्न। हरे भरे हरियाली और मनमोहक दृश्यों से घिरी बेहद खूबसूरत जगह है जिसे कोलकाता की सबसे रोमांटिक जगहों में से गिना जाता है। आखिर हो भी क्यों ना, किसी भी कपल अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए इससे अच्छी जगह और भला क्या होगी। नेलबर्न कपल्स के घूमने के लिए एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पार्टनर के साथ साथ अपने आसपास की खूबसूरत वादियों को देखते हुए रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने प्रेमी के साथ यादगार टाइम बिता सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बना देगा। इसलिए यदि आप अपने कपल के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो एक बार नेलबर्न जरूर जाएं। ये जगह आपको कभी निराश नहीं करेगी। आपको जो मन हो यहाँ बिंदास रह सकते हैं। यकीन मानिए यहाँ आपको कोई देखने वाला भी नहीं होगा क्योंकि सभी कपल यहाँ वही करने आते हैं जो आप करने आए हैं। सोनारी फॉरेस्ट। शहर की भीड़ भाड़ से दूर सोनारी वन पश्चिम बंगाल राज्य में एक छिपा हुआ रत्न है जिसे कपल्स के घूमने के लिए कोलकाता की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। यह स्थान औद्योगिकीकरण से अछूता है और आदिवासियों के निवास है जो सरल जीवन जीते हैं। जंगल के साथ बहने वाली प्राचीन नदी और यहाँ खिलने वाले फूल इस जगह को और भी ज्यादा जादुई और आकर्षक बनाते हैं। कुल मिलाकर सोनारी वन कोलकाता की ऐसी जगह जहाँ आप अपने कपल के साथ एकांत में टाइम बिता सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ प्राइवेट टाइम बिना किसी रोक टोक के बता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज की एपिसोड हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे नया एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।